पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलडोजर वाले बाबा के नेताओं की तानाशाही बढ़ती जा रही है। पार्टी के जिम्मेदारों ने अब गरीबों की जमीनें हड़पना भी शुरू कर दी हैं। जबकि बुलडोजर वाले बाबा अपने रसूख और सख्ती के मामले में देश और प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद भी पार्टी के जिम्मेदार खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। फरियादी ने प्रशासनिक अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फरियादी ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए लखनऊ तक 400 किलोमीटर का सफर तय करके मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल अमरोहा जनपद निवासी कैलाश 50 किलोमीटर का सफर तय करके मुरादाबाद पैदल पहुंचा, जिसने भी उन्हें सड़क पर पैदल चलते हुए देखा सभी हैरान रह गए। सफेद कुर्ता और उस पर लाल रंग से अपना संदेश लिखकर उसे पहन वो लखनऊ की ओर रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2014 में भगवान दास सैनी से 450 गज जमीन खरीदी थी, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण 2017 में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मैंने 1.5 लाख रुपए राम सिंह सैनी से उधार ले लिए। हालांकि राम सिंह सैनी ने पैसा देने की एवज में अपने भाई संत राम के नाम एग्रीमेंट कराया था, लेकिन उसके बाद वो जमीन अब उन्होंने हड़प ली है। मेरा नाम कैलाश चंद सैनी है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं अमरोहा से आ रहा हूँ और जाऊँगा लखनऊ। अच्छा, ये आपकी जो ड्रेस आपने पहन रखी है, क्या लिखा हुआ है? जी, इस पे लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा, बीजेपी नेता राम सिंह सैनी ने 20 लाख रुपए की जमीन हड़पी। क्या ये इसलिए लिखवाया जी, मैंने जो मैंने अपने रिश्तेदार से 2009 में वो 2014 में जमीन खरीदी थी मैंने 450 गज, और 2017 में मुझे जो है 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता हुई, जो कि मैंने राम सिंह बीजेपी नेता राम सिंह सैनी से कहा, मन की भाई 1.5 लाख रुपए चाहिए हमें, तो बोले मिल जाएंगे, आपको किसी चीज़ का एग्रीमेंट कराना होगा। जो ज़मीन 450 गज मैंने अपने भगवान दास सैनी से खरीदी थी रिश्तेदार से, मैंने उनसे कहा मन की भाई एग्रीमेंट होना है, बोले एग्रीमेंट कराओ या बैनामा कराओ, हमारा अब तो पैसा हमें अदा हो गया है, अब तुम कुछ भी कराते रहो। तो मैंने राम सिंह सैनी ने अपने भाई संत राम के नाम पर एग्रीमेंट करा दिया। अब जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो गया तो मैंने इनको पैसा भी अदा कर दिया, लेकिन इन्होंने मेरे रिश्तेदार को डरा धमका के और अपने लड़के रवि के नाम पर बैनामा करा लिया। जब मैं इनके गांव में पूछा, पता लगा, तो बोले जो जमीन कैलाश आपने खरीदी है राम सिंह ने अपने लड़के के नाम पर बैनामा करा लिया है। मैंने सब काफ़ी पंचायतें की, लोग इधर उधर भी गया, मैं अधिकारी के पास भी गया, लेकिन कोई मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरी बात को सुन रहे हो वो इसको मेरे गंभीरता से लें और इस बीजेपी नेता राम सिंह सैनी भू माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सर आ रहा हूँ अमरोहा से और जाना मुझे जो है लखनऊ में। आप ये पैदल चलते हुए आ रहे हैं? हाँ जी, पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ। लखनऊ तक आप पैदल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्या करें बताओ, मैं तो पैसा नहीं है, लोग लड़के भी बेचारे कहते हैं वो तुमने क्या करा अपनी ज़िंदगी में, कुछ कमाया नहीं, मैंने जो मैं कमाया बताओ, तो मैंने तो वहाँ जगह ले ली थी, अब जगह छीन ली इन लोगों ने। अब मैं ये चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें आपने यहाँ पे कभी कोई शिकायत वगैरह करी थी? जी, मैंने इनके करी थी साहब, उनके यहाँ एडीजी के हमें गया था, मैं यहाँ एडीजी हैं वो क्या नाम आईजी साहब के गया था, उन्होंने भी आदेश करे थे, लेकिन वहाँ जा करके ये जो है उनके कलपट में बैठ जाता है और जैसे चाहता वैसे ये वहाँ पर रिपोर्ट बनवा लेता अपने अपनी मर्जी। किसने कब्जा जो करी है, क्या प्रोफाइल जी? वो जो है राम सिंह सैनी है, बीजेपी नेता। क्या और है? मैं एडीजी जी के पास भी गया था वहाँ। क्या पता है? जी, ये किसान मोर्चा अध्यक्ष है। जी, आप कहाँ के निवासी हैं? जी, ये मोहल्ला खालसा पड़ता है अमरोहा में मोहल्ला खालसा, मैं खालसा में रहता हूँ। इन्होंने अपना नया मकान बना लिया प्रीत बिहार कॉलोनी में। ये आईडिया आपके पास कहाँ से आया कि आप इस तरीके से? जी, जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मेरे दिमाग ने जोर दिया, मैंने उस पर एक वहाँ बैठा था मैं, उसमें क्या नाम डीएम साहब के यहाँ, तो मैंने उसमें लिखवाया था जिलाधिकारी और भू माफिया राम सिंह सैनी से मेरी जमीन वापस कराओ, तो वो बैनर मुझसे छीन लिया गया, बोले आप कहीं नहीं बैठोगे यहाँ पर। तब मैंने आइडिया बन गया, एक कपड़ा बनवाओ अपना ऐसा और उस पर लिखवाओ, और कुछ कोई कहने की जरूरत नहीं है, सब लिखवाओ, उसी को मौजूद होगा। आप